want justice. We 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 want हमारे डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दिल्ली भी जा रहा है, उसके लिए भी हम मीटिंग करेंगे और वहाँ पे जाकर अपनी बात रखेंगे। उसके अलावा वहाँ जो फाइनल होगा जो डिसीजन वहाँ पे होगा उसके बाद हम आपके बीच में आएंगे और जो भी एक मिशन का प्रोग्राम होगा जम्मू कश्मीर का वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सामने लड़ाई आप लोगों ने लड़नी है, हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी तरीके से आज हम और दूसरी कोविड की सेकेंड में हमें कोविड लगाना को नहीं लगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रोटोकॉल हमसे खराब हो। नहीं तो आप लोग नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूँ आदित्य राजपूत। विजुअल जो है हम आपको अभी जम्मू के प्रेस क्लब एरिया से बता रहे थे जहाँ पर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, जैसे कि आपको इनकी डिमांड पता है कि इनको जो है कैजुअल लेबर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको आपकी डिमांड आपको जो है इनकी डिमांड पता है कि इनको जो है रेगुलाइज किया जाए और इनकी जो पेंडिंग वेजेज हैं वो इनको दी जाए। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है जम्मू के दौरे पर थे और उन्होंने जो है अपने भाषण में कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई है। और जिस तरह से बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो है किसी और संगठन द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया और उन्होंने भी कहा कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दी गई है आखिर क्यों कागजी पत्रों पर जो है वो लागू जो है वो नहीं हो रही है। और आज जो है इनका प्रदर्शन चल रहा है। विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको लीड जो है तनवीर हुसैन जी जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है और इनकी डिमांड यही है कि इनको जल्द से जल्द जो है रेगुलाइज किया जाए और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इनकी पेंडिंग वेजेज जो है वो इनको दी जाए। जिस तरह से काफ़ी देर हो गई प्रदर्शन करते हुए, तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात की जाए तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है कि लागू कर दिया गया है लेकिन कागजी पत्रों की अगर बात की जाए तो लागू नहीं किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए आदित्य जी, आज हमने ये कुछ लीडरशिप को बुलाया था जम्मू कश्मीर से, हमने कोई लोग नहीं बुलाए यहाँ क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड से रहते हुए हमने कम लोग बुलाए। अगर सरकार का यही रवैया रहा, अगर सरकार यही चाहती है कि रोडों पर बयान है तो उसके बाद आप देखेंगे हम फिर से रोडों पर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपनी पावर दिखा देंगे। और हम चाहें तो आज भी हम रोडों पर निकल से पुल बंद कर सकते थे लेकिन हम नहीं चाहते कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ हम धोखा करेंगे क्योंकि हमारा एक मुनज्जम तरीका है लड़ाई लड़ने का। इसलिए मैं सरकार को मैं अब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह तूफान जो प्रेस क्लब के अंदर आज है, अगर कल को आपने हमारे मसले हल नहीं किए यह चिंगारी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में और हम रोडों पर आ जाएंगे और फिर सारे जो जिम्मेदारी होगी वो यहाँ सरकार की होगी। बिल्कुल, आज हमारी 2 बजे के बाद हमारी लीडरशिप साथ मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद हमारी लीडरशिप का फाइनल होगा कौन कौन जा रहा है और दिल्ली में बात होगी और उसके बाद जितने भी जो डिस्कशन वहां भी होगी वो लोगों के सामने रखी जाएगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट सेशन से उसी के लिए हम जाएंगे और पार्लियामेंट में अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर वहां के उनकी आवाज नहीं खुली तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हम जम्मू कश्मीर मार रहे हैं, मारने के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं अब क्योंकि हम ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मर रहे हैं तो हम गिदड़ की मौत नहीं मरना चाहते हैं, हम गोली सीने में खाने के तैयार है और पहले तनवीर हुसैन गोली खाएगा उसके बाद दूसरे साथी गोली खाएंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए लीडर ये चाहते हैं कि हमें घरों में बंद किया जाए तो अब लीडरों के घरों के भी गहरा होंगे, इनकी कोठियों के गहरा होंगे, इनको बाहर नहीं आने देंगे हम। कोविड में हम लोग जो बाहर काम करते हैं, हमारा सफाई कर्मचारी, हमारा डेलीविजर, हमारा CPW और फोटो जाके यह जाते हैं। आज मैं आपको बोलूंगा श्रीनगर सिटी इस वक्त फर्स्ट आई सफाई पूरे मुल्क में, शायद को अवार्ड मिला है तो अवार्ड तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो झाड़ू लेकर सुबह खड़े होते हैं, उन लोगों को नहीं जो सिर्फ सेल्फी या फोटो लेके ये दावा करते हैं। इसलिए हम सफाई कर्मचारी के साथ, हम PDD बिजली वालों के साथ, हम हेल्थ के साथ, हम PHE वर्कर के साथ, हम जम्मू कश्मीर के
तमाम लैंड ओनर के साथ, आईटी ट्रेंड के साथ, उन तमाम के साथ खड़े हैं तमीर हुसैन। अगर पहली गोली भी खानी पड़ेगी, मैंने कहा तमीर हुसैन पहले भी खाई है और आगे भी खाएंगे और जम्मू कश्मीर से ऐसी ताकतों को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे और जम्मू कश्मीर नई सरकार लाएंगे। जो है वो बोल रहे हैं अभी हम लिस्टें बना रहे हैं, पहली देखिए उस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देवेंद्र राणा एक बहुत बड़ा कद है उनका अपना, वो अपने उसमें है, वो हम उस पर पॉलिटिक्स आज कोई उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, देवेंद्र राणा जी एक बार एलजी साहब से भी मिले हैं जाके, उन्होंने उनसे बात की है, जो जा रहा है हम उसके हम किसी का यहाँ पे कटाक्ष नहीं करेंगे आज। देखिए बिल्कुल मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ कैजुअल लेबर का ये प्रोग्राम है। जब पॉलिटिक्स का बात होगी, मुद्दा होगा, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ कैजुअल लेबर की बात होगी। और चेतावनी तमाम पार्टियों को, तमाम लीडरों को जम्मू कश्मीर को, अगर मसला हल नहीं किया तो बोरी बिस्तर बांध के रखिए, अब एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर शुरू होने जा रहा है। देखिए प्रदर्शन का हम दिल्ली से आके फैसला लेंगे, फिलहाल हम 30 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद हम फैसला लेंगे प्रदर्शन कब तक चलेगा, किस किस्म का प्रदर्शन होगा, वो 30 तारीख के बाद ही हम आपको ब्रीफ कर सकते हैं। 61,000 तमाम डिपार्टमेंट्स में है और उसके अलावा बाकी और भी वर्कर्स हैं जो अभी मतलब अभी उस फिगर में नहीं है, लेकिन हमारा यही मानना है कि जो 61,000 है उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए। डिमांड हमारी यही है कि 94 के बाद जितने भी किस्म के कैजुअल्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, सीपीडब्ल्यूएस हैं, सफाई कर्मचारी, कैजुअल सीजन जितने वर्कर्स हैं, उनको मिनिमम रख दिया जाए, उनके जो रेगुलाइज किया जाए, जो दौरान ड्यूटी शहीद हुए उनके घरवालों को नौकरी दी जाए और जितनी भी पेंडिंग सैलरी है और मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है आने वाले वक्त पर आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त पर जो है अगर इनकी डिमांड को नहीं फुलफिल किया गया तो इनका जो प्रदर्शन है जो उग्र रूप ले सकता है, ये पुल जो है वो बंद कर सकते हैं। लेकिन आज इनकी मीटिंग जो है वो होगी और क्या कुछ निकलता है मीटिंग में, आखिर प्रदर्शन होता है या फिर दिल्ली की तरफ जो है वो कूच की जाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अगली अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जर्नी लाइन। नमस्कार।